नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए कांग्रेस को पूरी तरह दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय अपने मन से कोई निर्णय नहीं करता है, न्यायालय अपने सामने रखे गए तर्कों के आधार पर निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने महाराष्ट्र के गवली केस का उदाहरण दिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर स्टे दिया है। इसलिए आरक्षण पर इस रोक के लिए यदि कोई पूरी तरह जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस और उसके नेता विवेक तन्खा हैं। इसमें पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में माननीय विवेक तन्खा जी ने रखा, उन्होंने जो बात न्यायालय के समक्ष रखी, न्यायालय अपने मन से कोई निर्णय नहीं करता, न्यायालय में जो तथ्य आप रखोगे उस तथ्य के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है। और वहां पर माननीय विवेक तन्खा जी ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जो गवली वाला केस था, और उस आधार पर ही फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर स्टे किया है। तो अगर माननीय विवेक तन्खा जी सर्वोच्च न्यायालय में ये बात नहीं रखते तो न्यायालय अपनी तरफ से कोई किसी राज्य के बारे में निर्णय नहीं करता, और इसलिए इसके लिए पूरी तरह से कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी दोषी है, माननीय विवेक तन्खा जी दोषी।